नमस्कार। आज हम कच्चे केले का कोफ्ता बनाने जा रहे हैं। कच्चे केले का कोफ्ता खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और अलग से सब्जी खाने का मन हो तो आप इसको बना सकती हैं। सबसे पहले हम कच्चे केले को उबाल लिए हैं और ठंडा हो जाने पर उसको मैश कर लिए हैं। मैश करने के बाद उसमें बेसन, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन मिर्चा, नमक सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। देखिए हमारा अच्छे से मिल गया है पेस्ट। अब इसके छोटे छोटे बॉल बना के रख लेंगे। देखिए सारे बॉल बन के तैयार हो गए हैं। अब कोफ्ते के लिए पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर सारी चीज़ों को हम मिक्सी जार में डालेंगे। सबसे पहले प्याज को काट लेंगे। एक प्याज को हम पूरा ही काट लेंगे और उसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सभी चीज़ों को डाल देंगे। आप मिर्च को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्सी में डाल के हम थोड़ा पानी डाल के मसाला पीस लेंगे। हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और कोफ्ते को तल लेंगे हम। हमारे बॉल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए सब बॉल तल के तैयार हो गया है। अब हम तड़का के लिए प्याज काट लेंगे, तेज पत्ता एक ले लेंगे और आधा चम्मच जीरा ले लेंगे। कढ़ाई में हम जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने लगे हम उसमें तेज पत्ता डाल देंगे और फिर इसके बाद हम प्याज को डाल के भूनेंगे। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तो उसमें मसाला डालेंगे। देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें जो मसाला पीस के रखे थे हम उसको डाल देंगे। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाले में से तेल अलग ना हो जाए। हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद 2 मिनट चलाने के बाद उसमें पानी डाल लेंगे अपने हिसाब से। पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद इसको हम तब तक तो उबालेंगे जितनी ग्रेवी हमें चाहिए। हमारा ग्रेवी बनके तैयार हो गया है। अब हम कोफ्ते को इसी में डाल देंगे। कोफ्ते को डाल के 2 मिनट पका लेंगे। हमारा कोफ्ता बन के तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। धन्यवाद।